हालेलुया हालेलुया सबको जय मसीह की जय मसीह की। आज हम जहां से बात कर रहे हैं वो है मत्ती रची सुसमाचार उसका 15 अध्याय, और जब हम 14 अध्याय में जाएंगे मत्ती का, तो उसी 14 अध्याय में आपको मिलेगा कि यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। और बस एक और अध्याय जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो वहां पे हमें दिखेगा कि यीशु क्या कर रहे, 4000 लोगों को खाना खिला रहे। अभी बहुत लोगों को लगता है कि दोनों ही घटना क्या है, सेम घटना है, लेकिन दोनों घटना सेम नहीं है। अगर आप दोनों घटनाओं को पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि इस घटना में क्या है, संख्या जो है सबसे पहले, पहले घटना में क्या है 5000 लोगों को खाना खिलाते हैं यीशु मसीह, दूसरे घटना में 4000 लोगों को खाना खिलाया जाता है। पहले घटना में क्या होता है, जिस जगह पे हो रहा है वो जगह अलग है, दूसरी घटना में क्या हो रहा है, जगह अलग है। पहले घटना में हम देख पा रहे हैं कि लोग यीशु मसीह के साथ एक दिन थे, और जब हम दूसरा घटना देख रहे हैं 15 अध्याय में, तो वहां पे हम देख पाएंगे कि यीशु मसीह के साथ लोग 3 दिन थे। जब हम पहले घटना पे आते हैं 5000 लोगों को जब यीशु मसीह खाना खिलाते हैं, तो वहां पे कितना, 12 टोकरी बचता है, 12 डाला बेचे जाते। लेकिन जब हम दूसरे घटना पर आते हैं 4000 लोगों को खाना खिलाते हैं, तो वहां पे 7 टोकरी बचता है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? इसलिए दोनों घटना सेम नहीं है। मैं इस घटना को आप लोगों के लिए पढ़ूंगा और धीरे 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 क्या करेंगे हम लोग यहां से सीखेंगे। तभी शांत होकर के हमें सुनना है और हमें सीखना है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 32 पद लिखा है कि यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा। सबसे पहला कि यीशु ने क्या किया, अपने चेलों को बुलाया और उनसे यीशु ने कहा, क्या कहा, मन की बात, मन का बात कहा यीशु ने। क्या कहा कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, ये यीशु के मन में था। तो यीशु क्या कर, अपने मन की बात अपने चेलों के साथ क्या कर रहे हैं, बांट रहे, उन्हें बुला कर। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के साथ अपने मन की बात शेयर करना चाहता है, बांटना चाहता है, लेकिन मनुष्य आज इतना ज्यादा व्यस्त है, मनुष्य इतना ज्यादा बिजी है अपने काम काज में, अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, कि मनुष्य के पास में आज समय ही नहीं है परमेश्वर के मन के बात को सुनने के लिए। तो क्या आप जानते हैं हमारे परमेश्वर जो है वो भी क्या चाहते हैं कि उनके मन में जो है, उनके उनका उनका जो उनके दिल में जो है हमारे लिए, वो आपके लिए वो क्या करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं। लेकिन हम इतना ज्यादा परमेश्वर से दूर हैं, हमारे पाप के कारण, कभी हमारे बिजीनेस के कारण, व्यस्तता के कारण, तो हम प्रभु के मन की बात को हम ना ही सुन पाते हैं, ना ही समझ पाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज भी परमेश्वर चाहते हैं अपने मन की बात आपसे शेयर करने के लिए, आपको बोलने के लिए। लेकिन आपका कान खुला हुआ होना बहुत जरूरी है, क्या आप तैयार हैं उसके आवाज को सुनने के लिए। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा कि मुझे इस भीड़ को देख करके तरस आता है। जानते हैं परमेश्वर आज बहुत से लोगों को बताना चाहता है, जब वो अपने जीवन को, अपने जिंदगी को सेटल करने के लिए, सही जगह पर देखने के लिए इधर उधर भागते रहता है, बहुत ज्यादा वो चिंता में, परेशानी में, इधर उधर में है, तब परमेश्वर उसे देख करके क्या होता है, परमेश्वर को तरस आता है। और परमेश्वर कहता है कि एक बार अगर ये खड़ा हो, एक बार अगर मुझे ये पुकारे, तो मैं इसको अपने मन की बात बताऊं। परमेश्वर कहना चाहता है आपके कानों का ना करके कि मैंने जो तेरे लिए योजना किया है वो हानि के लिए नहीं वरन कुशल के लिए। आमी तुम्हार जन्य जे समस्त परिकल्पना सकल करियाछि ताहा अमंगलेर नय मंगलेर। परमेश्वर आपसे बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, आपसे और मेरे से, लेकिन बात यह है कि क्या आप उसके मन के बात को सुनने के लिए तैयार हैं,
क्या आपके पास समय है परमेश्वर के मन के बात को सुनने के लिए? क्या आप उसको समय दे सकते हैं? जब वो आपको पुकारता है तो क्या सच में आप उसके बुलाहट के प्रति आप रेस्पॉन्स देते हैं, आप प्रतिक्रिया देते हैं? जब आपको बुलाया जाता है कि इतना बजे क्या है आज सभा है, तो क्या आप आते हैं? क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। इस भाई ने मुझसे कहा कल कि जानते हैं पास्टर, आपने जो प्रचार किया, मैं घर से प्रार्थना करके निकला था कि प्रभु आज तू मुझसे बात करना। और मैं बता रहा हूं कि आज का जो मैसेज था, परमेश्वर ने उस मैसेज के द्वारा, उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया। प्रभु हमें से हर किसी को बात करना चाहता है, वो आज भी आपको बुला रहा है और वो अपनी मन की बात आपको बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है। अभी आगे बढ़ते हैं। लिखा है यीशु ने कहा कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, मुझे इस भीड़ को देख करके तरस करके, जो भीड़ मेरे सामने बैठा हुआ है इन लोगों को देख करके मुझे तरस आता है। क्यों यीशु को क्यों अचानक से तरस आने लगा? क्योंकि वो तीन दिन से मेरे साथ हैं। इस घटना को हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे और बहुत अच्छे से इस घटना को समझते हैं, क्योंकि यीशु को इसी वजह से तरस आया क्योंकि ये लोग यीशु मसीह के साथ तीन दिन से थे। हाउ मेनी डेज, कितना दिन? तीन दिन तक। ओके, अभी तीन दिन तक ये लोग यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के पीछे वो लोग चल रहे थे तीन दिन तक। जानते हैं तीन दिन तक इनका फोन बजा होगा लेकिन इन लोगों ने अपना फोन नहीं उठाया। तीन दिन तक व्हाट्सएप में मैसेज आया है बहुत लेकिन इन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। तीन दिन से शायद आपका बहुत सारा ऐसा कॉल और मैसेजेस आया होगा, बहुत से लोगों ने आपको बुलाया होगा, इन लोगों को बुलाया होगा, खबर आया होगा, लेकिन इन लोगों ने क्या किया? रेस्पॉन्स नहीं किया। तीन दिन से इनके जीवन में ये, मतलब तीन दिन से इन लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ कहां पे लगा था? यीशु मसीह के ऊपर। इसीलिए यीशु मसीह को उसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर क्या आया? तरस आया, क्योंकि तीन दिन से ये लोग क्या है? यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। और एक और बात यहां पर लिखा है, तीन दिन से मेरे साथ है और उनके पास खाने को नहीं है। ये लोग जिस जगह पे है, ये जो भीड़, ये एक क्या है? एक सुनसान जगह है और ये सिटी से, शहर से बहुत दूर है और संख्या इतना ज्यादा है कि इतने लोगों के लिए खाना का बंदोबस्त करना संभव नहीं है। शायद लोगों ने अपने साथ जो कुछ चीजें, जो खाना, जितने भी वो लोग लेकर के निकले थे, वो खत्म हो गया था। अभी उनको ध्यान नहीं था, उनको, उन लोगों ने इतना शायद प्लान बना करके ये लोग नहीं निकला था कि यार इतने दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा खाना टिफिन में भर के ले लेते हैं। तो शायद हम लोगों का ऐसा योजना होता होगा कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो बहुत सारी योजना बनाते हैं और बना करके हम चलते हैं, लेकिन इनके दिमाग में सिर्फ यही था कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, बस हमें वचन सुनना है। और वचन सुनने के लिए ये लोग क्या है? तीन दिन से एक सुनसान, एक वीराने जगह पर ये लोग हैं और इसी वजह से यीशु मसीह को उन्हें देख करके बहुत तरस आया। आपके पास यीशु मसीह के लिए कितना समय है? इनके पास तीन दिन समय था लेकिन आपके पास, मैं कहता हूं कि तीन मिनट भी आपके पास टाइम नहीं है। हम जाते तो हैं चर्च में लेकिन हमारा ध्यान चर्च में नहीं रहता। हम किसी सभा में जाके बैठते तो हैं लेकिन हमारा ध्यान उस सभा में नहीं रहता, घर में रहता है। घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, या फिर मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है, या फिर आपने, आपका और भी कुछ काम काज है, मुझे करना होगा, खाना पकाना होगा, ये सभी चीजें। आप रहते तो यीशु मसीह के साथ है शारीरिक रूप से लेकिन आपका
मन यीशु मसीह के साथ नहीं रहता है, लेकिन ये लोग इन्होंने अपना काम काज सब कुछ घर बार सब छोड़ करके ये लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं 3 दिन से। क्या लोग उस समय काम नहीं करते थे? लोग उस समय भी काम करते थे और लोग आज भी काम करते हैं, और उस समय और इस समय में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन समस्या यह है कि उस समय लोग जिस तरीके से परमेश्वर को, उसके वचन को, परमेश्वर के बुलाहट के प्रति जिस तरह से लोगों का प्रतिक्रिया, जिस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स होता था, आज के दिन में लोगों का परमेश्वर के प्रति उतना अच्छा प्रतिक्रिया, उतना अच्छा रिस्पॉन्स उतना नहीं है। लोगों के अंदर में परमेश्वर के प्रति भूख नहीं है, लोगों के अंदर में परमेश्वर के प्रति प्यास नहीं है, बहुत ही ऐसे कम लोग हैं। आप क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं उसके लिए? इन लोगों के पास खाना भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग क्या कर रहे, मजे से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो बहुत सारे अद्भुत कार्य, बहुत सारे मिरेकल्स वो कर सकते थे वहां पे, क्योंकि उन्होंने किया। अगर अब आगे पढ़ेंगे तो लिखा है बहुत सारे लोगों को, रोगियों को उन्होंने चंगा किया, तो वो नहीं कर सकते थे क्या? लोगों को खाना नहीं खिला सकते? लेकिन वो देख रहे थे कि इन लोगों में कितना ज्यादा क्या है, पैशन है, कितना ज्यादा इन लोगों के अंदर में धीरज है, और बड़े धैर्य के साथ ये लोग क्या कर रहे थे, यीशु मसीह के साथ ये लोग चल रहे थे। क्या आज आप तैयार हैं यीशु मसीह के साथ चलने के लिए? क्या आपके जीवन में सच में इतना ज्यादा ईमानदारी है? क्या आप इतना ईमानदार व्यक्ति हैं? आप तैयार है यीशु मसीह के साथ सब कुछ छोड़ करके चलने के लिए? सब कुछ का मतलब क्या होता है, जो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना, सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता का खोज करना। आज मनुष्य के परिस्थितियों को देख करके परमेश्वर को दया नहीं आता है, परमेश्वर को गुस्सा आता है, पहुंचा और उसने अपने क्रोध को संभाल के रखा है, जो कि हमें न्याय के दिन में देखने को मिलेगा। आपने क्या ऐसा किया है जिस वजह से परमेश्वर को आपके प्रति दया आएगा? क्या किया आपने? क्या आपने ऐसा कुछ किया है सच में? क्या सच में आपने आपके जीवन का जो प्राथमिकता है उसको आपने सही से बैलेंस किया है, सही से क्या आपने मेंटेन किया है? जो प्राथमिकता होना चाहिए परमेश्वर पहले और बाकी सारी चीजों को आप बाद में रखते हैं, या फिर इस दुनिया के हर एक चीजों को आप सबसे पहले रखते हैं और परमेश्वर को सबसे लास्ट में आप रखते हैं? वचन कहता है कि इन लोगों के बिहेवियर को देखकर, इन लोगों के जुनून को देख करके, इन लोगों के परमेश्वर का प्रति जो भूख है, प्यास है, जो तड़प है, उसे देख करके यीशु मसीह को क्या होने लगा, तरस आ गया, दया आ गया। ऐसा जीवन जियो ताकि प्रभु यीशु मसीह आपको जब देखे तो उसको भी क्या आए, दया आए। जब वो आपको देखे तो उसके अंदर में आपके प्रति प्रेम आए। जब वो आपको देखे कि मेरा बच्चा इस तरीके से जी रहा है, तो वो क्या करे, आपको मदद करने के लिए उतर कर आए। ऐसा जीवन जियो, ना कि ऐसा जीवन जो जीवन आज जिस तरीके से मनुष्य जी रहा है उसके वजह से परमेश्वर के दिल में सिर्फ और सिर्फ दया नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तरस नहीं, लेकिन सिर्फ गुस्सा, सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट, सिर्फ और सिर्फ खेद, दुख परमेश्वर के दिल में जमा होते जा रहा है। बाइबल कहता है कि नूह के समय में क्या हुआ, परमेश्वर ने मनुष्य को देखा और मनुष्य को देख करके क्या हुआ, परमेश्वर को दया आया, नहीं आया दया नहीं हुआ, क्या हुआ, मनुष्य को देख करके परमेश्वर को बहुत पश्चाताप हुआ,
है ना, कि मैंने क्या कर दिया, मैंने कैसे लोगों को बनाया, इनके विचार इतने गंदे हो चुके, इनके सोच में 1% भी अच्छाई नहीं है, सिर्फ बुराई और गंदगी भरा हुआ है इनके सोच में, इनके चाल चलन में सिर्फ क्या है, गंदगी और गंदगी, इनके देखने में गंदगी, इनके बात करने में सिर्फ गंदगी, इनके जीवन में थोड़ा सा भी पवित्रता नहीं है। इसलिए परमेश्वर को सच में बहुत गुस्सा आया उस समय, और उन्होंने क्या किया, जल प्रलय भेजा नाश करने के लिए। लेकिन यहां पे क्या होता है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, इन लोगों को देखा, और इन लोगों को देखने के बाद उनको तरस आने लगा। क्यों? क्योंकि इनके पास खाना नहीं है, इनके पास रोटी नहीं है, इनके पास अभी पहनने के लिए कपड़ा भी लोग घर से तो नहीं लाया है। हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, 4-5 लेकर के जाते हैं, हम लोग पानी बोतल लेकर के जाते हैं, कुछ खाने का सामान ले लेते हैं, है ना, बीच में ब्रेक मिलेगा तो थोड़ा खा भी लेंगे, पी भी लेंगे, थोड़ा घूम करके आएंगे, ऐसा है ना हमारा स्वभाव। लेकिन इन लोगों को, इन लोगों का स्वभाव देखिए, 3 दिन से ये लोग सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वचन सुन रहा है, सिर्फ और सिर्फ वचन का भूख और वचन का प्यास, और ये देख करके यीशु मसीह को बहुत तरस आया। ऐसा जीवन जियो ताकि प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह जब आपको देखे तो आपके जीवन में क्या हो, उनके दिल में क्या हो, तरस, उनके दिल में दया, आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति आदर, आपका प्रति आपके लिए अटेंशन उसके दिल में क्या हो आए। लिखा है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं। आप किसके साथ हैं, आप किसके साथ हैं, लग तो रहा है मानो कि मैं यीशु मसीह के साथ ही हूं, क्योंकि मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो चर्च भी जाता हूं, मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, मैं तो दशमांश भी देता हूं, मैं तो उपवास भी करता हूं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ये तो एक ढोंगी व्यक्ति है। याद है आपको, फरीसी और चुंगी लेने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति कहता है कि मैं इसके तरह नहीं हूं, मैं उसके तरह नहीं हूं, मैं तो चर्च जाने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो दान दशमांश देता हूं, मैं जवानों के सभाओं में जाता हूं, मैं तो उपवास करता हूं, चर्च में मैं सबसे पहले पहुंचता हूं, सबसे बड़ा चर्च जो है वो चर्च में मेरा नाम है, मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया है, मैं बहुत पैसा देता हूं, बहुत दान और दशमांश देता हूं। लेकिन यीशु ने उसको धर्मी नहीं ठहराया। शायद आपको लग तो रहा होगा कि आप यीशु मसीह के साथ हैं, लेकिन आप यीशु के साथ शायद नहीं हैं। यहूदा यीशु के साथ था, यीशु के साथ था, अगर वो यीशु के साथ था तो उसने कैसे यीशु मसीह को पकड़ाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15:5 में लिखा, यहां पे लिखा है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, और जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें। ध्यान से सुनना क्या लिखा है, कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो आपके साथ नहीं, जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बुला रहा है, वो आपके साथ जुड़ा हुआ रहना चाहता है, लेकिन आप नहीं चाहते हैं, आप भागना चाहते हैं उसे छोड़ करके, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसके साथ रहना, रहने का मतलब क्या होता है, 3 दिन से उसके साथ था ये लोग,
रहने का मतलब क्या होता है कि जब आप उसके साथ रहते हैं, अर्थात आप उसके साथ समय बिताते हैं, अर्थात आप उसके साथ बात करते हैं, आप उसके सोच विचार को जानने का कोशिश करते हैं, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या बुरा लगता है, वो क्या चाहता है आपको बोलने के लिए, आपके लिए उसके पास योजनाएं क्या है, क्या क्या मिशन है, कौन कौन सी बातों को वो आपके जीवन के द्वारा होते हुए देखना चाहता है, ये सब कुछ रहने के द्वारा ही संभव होता है। ये होता है रहना। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा आज 10 साल हो गया है यीशु मसीह के साथ, लेकिन जिंदगी देखो वही गंदगी से भरा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 20 साल हो गया मेरा, लेकिन जिंदगी में कुछ भी परिवर्तन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आई एम बॉर्न क्रिश्चियन, अरे मैं तो जन्म से क्रिश्चियन हूं, लेकिन जिंदगी देखो गंदगी से भरा हुआ। तो आप क्या सच में उसके साथ हैं? यह प्रश्न है, अपने आप को पूछो क्या आप सच में उसके साथ हो। आप रहना उस खुदा के साथ बहुत बड़ी बात है। और रहने का मतलब क्या होता है? रहने का मतलब एक हफ्ता, उसके बाद फिर अपने रास्ते और आप अपने रास्ते, ऐसा नहीं। रहने का मतलब होता है कि मैं आज भी प्रभु तेरे साथ चल रहा हूं और मैं चलता रहूंगा हर एक सेकेंड और हर एक मिनट और हर एक घंटा। अगर कोई व्यक्ति मुझे ढूंढे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेगा? मुझे किसी पान के ठेले में अड्डा देते हुए नहीं मिलेगा। अगर लोग मुझे ढूंढे तो मुझे कहां मिलेगा? किसी का चुगली करते हुए नहीं मिलेगा। अगर लोग मुझे ढूंढे तो मुझे कहां मिलेगा? अपने पुराने दोस्तों के साथ नहीं। अगर लोग मुझे ढूंढे तो ऐसे गलत जगह पे मुझे नहीं मिलेगा। लोग जब मुझे ढूंढेंगे तो मुझे कहां मिलेगा? यीशु मसीह के साथ मिलेगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये होता है रहना। क्या आप उसके साथ रहना चाहते हैं? ऐसे जब लोग आपको ढूंढे तो आपको ढूंढने से कहां मिले? सिर्फ और सिर्फ यीशु के साथ, और कहीं नहीं। और ये लोग किसके साथ थे? यीशु मसीह के साथ 3 दिन से। आप कितना दिन से चलना चाहते? कितना दिन तक चलना चाहते? आपने कितना कमिटमेंट किया है? कितना दिन तक? 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 हफ्ता, 1 साल, 2 साल, 3 साल, या फिर जिंदगी भर चलने का, जिंदगी भर रहने का? जैसे एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ, जैसे पति पत्नी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक वाचा बांधते हैं कि आज हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, सुख दुख में हम कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, एक साथ हम लोग रहेंगे। तो क्या आप इस तरीके से आपने वाचा बांधा है परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, कि प्रभु चाहे सुख हो सिर्फ और सिर्फ तभी तेरे को बुलाएंगे? क्या आपने ऐसे वचन बांधा है प्रभु से कि प्रभु जब दुख होगा तब तेरे को बुलाएंगे? हे यीशु बाबा मदद कीजिए, हे प्रभु यीशु मदद कीजिए। लेकिन जब अपना सब सॉल्व हो जाएगा, जब अपने को सब कुछ मिल जाएगा, तब मैं तेरे को छोड़ दूंगा। क्या आप इस तरीके से रहना चाहते हैं? वादा करो उस परमेश्वर से, मेरे पास नहीं लेकिन आप अपने घर जाकर के वादा करें उस परमेश्वर से कि प्रभु मैं अपने जीवन में सबसे पहला जो आज मैंने सीखा वो है कि मुझे क्या करना है, तेरे मन की बात को सुनने के लिए मेरे कान को खुला रखना है। मैं किसी का, किसी के घर के दरवाजे या फिर खिड़की में जाकर के अपने कान में नहीं लगाऊंगा। किसी के घर के बातचीत को सुनना मुझे नहीं है,
किसी के बारे में मुझे नहीं सुनना है, किसी का चुगली नहीं सुनना है, किसी के बारे में बुरा भला नहीं सुनना है, बस मुझे तेरा सुनना है। ये लोग क्या कहते हैं, मुझे लोगों के बारे में नहीं सुनना है, मुझे तेरे मन की बात सुनना है जो तू मुझे बताना चाहता है। दूसरा जो आज मैंने सीखा कि वो क्या है, पहला स्थान तुझे देना, प्राथमिकता तुझे देना, अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना काम काज जो कुछ भी है, जब तू चाहे तब मैं इन चीजों को छोड़ करके जैसे मैं क्या कर पाऊं, तेरे पीछे मैं चल पाऊं, तेरे लिए मैं जैसे कॉम्प्रोमाइज ना करूं, जब तू मुझे बुलाए तब मैं जैसे क्या रहूं, अवेलेबल रहूं। और तीसरा हमने क्या देखा, उसके साथ रहना, किस तरीके से, जैसे पति पत्नी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक वाचा बांधते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, उस तरीके से आप परमेश्वर के साथ वाचा बांधे, प्रॉमिस करे कि प्रभु तू मेरा हाथ कभी ना छोड़ना, जैसे कि तूने वादा किया है कि मां अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, तो ये तेरा प्रतिज्ञा है और मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तू जो अपने प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला परमेश्वर है, तू मुझे कभी ना छोड़ेगा। लेकिन प्रभु इतना मुझे मदद कर, इतना सामर्थ्य दे, इतना ताकत दे ताकि मैं भी तेरा हाथ कभी ना छोड़ू, तेरे साथ में रहूं, लोग जब ढूंढे मुझे तो कहीं गलत जगह पे ना मिले, लेकिन जब लोग मुझे ढूंढे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरे साथ जैसे लोग मुझे देखने पाए। जब लोग मेरे जीवन को ढूंढे कि इसका जीवन कहां है, तो मेरा जीवन दारू के भट्टी में नहीं, लेकिन मेरा जीवन तेरे उपस्थिति में जैसे लोग देखने पाए, मेरा चाल चलन, मेरा बोल, मेरा सोच विचार, मेरा देखना, मेरा उठना, मेरा बैठना, सब बातों में जैसे लोगों को दिखे कि ये लड़का यीशु मसीह के साथ चल रहा है, यीशु मसीह के साथ है। कितने दिनों से, 3 दिन से, 3 साल से, 30 साल से, नहीं, जब तक मौत ना आ जाए तब तक, और मौत के बाद वहां तेरे साथ। आगे बढ़ते हैं, तब यीशु ने कहा, देखिए अब यीशु क्या कह रहा है, कि मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। जब यीशु ने देखा उन्हें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्याग करके ये लोग मेरे पीछे है 3 दिन से, तो वचन परमेश्वर का पूरा हो जाता है जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 33 पद में लिखा है ऐसा, कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता का खोज करो और बाकी जितने भी वस्तुएं हैं वो क्या किया जाएगा, हमें दिया जाएगा। तो ये वचन पूरा हो जाता है इन लोगों के जीवन के द्वारा, जब यीशु ने देखा कि इन लोगों ने सब कुछ छोड़ करके ये लोग क्या कर रहे, मेरे पीछे चल रहे हैं, ध्यान सिर्फ मेरे तरफ, निगाहें सिर्फ मेरे तरफ, दिमाग ध्यान अटेंशन मन सब कुछ मेरे तरफ, मेरे वचन के तरफ। तो जब यीशु ने देखा कि इनके लिए मैं ही अभी प्रथम हूं, इन लोगों ने मुझे चुना है पहला, तो यीशु ने क्या किया, यीशु ने कहा कि मैं इन्हें भूखा नहीं भेजूंगा। जब आप उसे पहला स्थान देते हैं, जब पहला चुनाव आप उसको करते हैं, तो यीशु मसीह कहता है कि मैं इन्हें बिना आशीषित किए नहीं छोड़ूंगा। जब आप यीशु मसीह को चुनते हैं पहला, जब आप यीशु मसीह को क्या करते हैं अपने जीवन में पहले स्थान पर रखते हैं, जब आप सब बातों को उसके लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, तो वो कहता है कि मैं इसे भूखा नहीं भेजूंगा, वो कहता है कि मैं इसे प्यासा नहीं भेजूंगा, मैं इसे क्या नहीं करूंगा, मैं इस व्यक्ति को यहां से नंगा नहीं भेजूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा, इसे बिना नौकरी दिए नहीं भेजूंगा,
मैं इसके परिवार को आशीषित करूंगा, मैं इसको चंगाई दिए बिना नहीं भेजूंगा यहां से। इसके परिवार में जितने भी कमी घटी है, इन कमी घटियों का समाधान किए बिना मैं इसे नहीं भेजूंगा यहां से। समाधान क्यों नहीं आता है, क्यों आपको उत्तर नहीं मिलता है? क्योंकि आपने और हमने कहीं ना कहीं क्या किया है, परमेश्वर को हमने दूसरे स्थान में रखा है और बाकी चीजों को हमने पहले स्थान में रखा है। जैसे ही आप करें, आप क्या करेंगे, स्थान को आप बदल देंगे, तो प्रभु यीशु कहेगा कि तेरा नौकरी पक्का, तब कहेगा कि तेरे घर में जो आज तक इतना जो बीमारी था, वो बीमारी आज से तेरे घर में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तूने पहला स्थान मुझे दिया है। जैसे ही आप क्या करोगे, आप जो इनकम करते हो, आप जो कमाते हो, आप क्या करोगे, उसका जो पहला अंश है जब आप परमेश्वर के चरणों पर रखोगे, तो परमेश्वर कहेगा कि आज तक तू 40-50 हजार लाख रुपया कमाता था, लेकिन तेरे घर में आशीष नहीं था, फिर भी तेरे घर में क्या है, लोन है। बहुत जगह से तूने क्या लिया है, उधारी लिया है, लोगों को पैसा देना पड़ता था, लेकिन जब आज से तेरे घर में इतना आशीष रहेगा कि तेरे घर में अगर 5,000 भी तू कमाता है तो इससे भी तेरा घर बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि तूने सबसे पहले मुझे चुना है। समझ में आ रहा है? तेरे बच्चे और बीमार नहीं होंगे, क्योंकि तेरे बच्चों को तू मेरे शिक्षा से मेरा शिक्षा देकर के बड़ा कर रहा है, मेरा वचन सिखा रहा है उन्हें, तूने प्रार्थना में लेकर के बैठता है, इसीलिए उन्हें कोई बीमारी नहीं छुएगा, दुष्ट आत्माएं उन्हें पकड़ नहीं सकते हैं। आज से तेरे घर में किसी भी तरीके का पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि परिवार के सभी लोग एक ही व्यक्ति को पहले स्थान पे रखता है, और वो है परमेश्वर। जब घर में कोई समस्या होता है तो समस्या का समाधान आप अपने दिमाग से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आप ढूंढते हो कि प्रभु का वचन क्या कहता है। अगर भाई भाई में झगड़ा होता है तो आप क्या करते हो, परमेश्वर के वचन से देखते हो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि माफ कर दे। तो प्रभु क्या कहता है कि तूने पहले मुझे चुना है, इसीलिए जा, तेरे घर में शांति बना रहे। जब हम और आप क्या करते हैं, परमेश्वर को पहले स्थान देते हैं, प्रभु को जब हम पहले रखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मैं इसे खाना खिलाए बिना, मैं इसे तृप्त किए बिना यहां से नहीं जाने दूंगा। मैं ये विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर आपको कुछ देता है तो वो आपको संतुष्ट करता है, वो आपको तृप्त करता है। हो सकता है आपको बहुत दिया गया हो, लेकिन उसमें आपको संतुष्टि, आपको और चाहिए क्या? लेकिन जब परमेश्वर कुछ देता है आपको, तो क्या देता है आपको, उसके साथ संतुष्टि भी देता है। परमेश्वर कहता है कि मैं इसको खाना खिलाए बिना नहीं भेजूंगा। आप उसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस हो, बहुमूल्य हो। इस बात को याद रखना कि जो लोग सबसे पहले परमेश्वर को रखता है, सबसे पहले अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को रखता है, बीवी को नहीं, पति को नहीं, दोस्तों को नहीं, फोन नहीं, और कुछ नहीं, जो लोग परमेश्वर को सबसे पहले रखता है, परमेश्वर उनके प्रति क्या करते हैं, वो दया करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें देखते हैं, उन्हें तरस आता है उनके जीवन के प्रति, और वो क्या कहते हैं कि मैं इन्हें आशीषित किए बिना नहीं भेजूंगा। आशीष ऐसे ही नहीं मिलता है। बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। अरे भाई, ऐसे ही मिल जाएगा क्या? कोई हलवा पूड़ी है बेच रहा है कोई, आशीष मिल जाएगा, आशीष मिल जाएगा, आशीष ले, कोई ठेला लगा है क्या आपको, आशीष इधर मिल रहा है, किलो के भाव में बेच रहा है? नहीं, ऐसे नहीं मिलता है।
जब आप उसके राज्य और धार्मिकता का खोज करोगे, जब उसको आप पहले स्थान में रखते हो, जब आप उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए राजी हो जाते हो, तभी आपको मिलता है। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेंगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। अब ये जो चेले हैं यीशु मसीह के, देखिए ये इन लोगों ने बस 14 अध्याय में, जब हम एक थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं, थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, तो आपको 14 अध्याय में ही मिलेगा कि यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। ध्यान से देखिए, इन लोगों ने देखा कि यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। सेम घटना 14 अध्याय में ही घट चुका है मत्ती के। इन लोगों ने देखा कि यहां पे जितना लोग है 4000, उससे भी ज्यादा लोग वहां पे थे, 5000 लोग यीशु ने वहां पे खाना खिलाया। अब यहां पे संख्या थोड़ा सा घट गया, कम हो गया है। यीशु मसीह एक्सपेक्ट कर रहे थे, आशा कर रहे थे कि यार अब तो ये लोग विश्वास लेगा, लेकिन यहां पर फिर से क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे, फिर से ये लोग संदेह कर। और जब भी समस्याएं आते हैं, मनुष्य क्या करता है, समस्या में क्या होता है, इम्पॉसिबिलिटीज, अर्थात जो असंभव बातें हैं, उन असंभव बातों को देखता है, ना कि पॉसिबिलिटीज को, जो संभव है, या फिर जो अपॉर्चुनिटीज, या फिर जो मौका है, उसे मनुष्य नहीं देखता है। फिर से समझाता हूं कि जब भी कोई समस्या आता है हमारे जीवन में, जब भी कोई हम परेशानी में, कोई दुख और तकलीफ में, या फिर कोई बड़े बड़े प्रॉब्लम में जब हम फंस जाते हैं, हम क्या करते हैं, ये मनुष्य का स्वभाव है। देखिए ये लोग पहले से ही, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे आश्चर्य कर्म को इन्होंने अपने आंखों से देखा होते हुए, और इन्होंने ये भी देखा कि यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, और अब इनके पास मात्र 4000 लोग हैं, 1000 लोग घट गया। यीशु मसीह आशा कर रहे थे, परमेश्वर आशा करते हैं ऐसा कि अरे यार अब तो विश्वास कर मेरे ऊपर, लेकिन अभी भी क्या है, इनके दिमाग में वही संदेह, वही ये लोग क्या करते, सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही ढूंढते रहता है। कुछ लोगों का मेंटालिटी, कुछ लोगों के मानसिकता उन लोगों का ऐसा ही होता है कि वो लोग हर एक समस्या में क्या करते हैं, वो लोग सकारात्मक बातों को, या फिर क्या संभव है उन संभव बातों को, या फिर क्या हो सकता है उसे नहीं देखता है। लेकिन लोग सिर्फ क्या करते, इम्पॉसिबिलिटीज, असंभव चीजों को ही, या फिर समस्या कितना बड़ा है उसी को देखता है। चेलों ने यहां पे वही देखा, क्या देखा, किस वीरान जगह में इतने लोगों को खाना हम कहां से बंदोबस्त करें। तो दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मेरी सहायता कहां से आएगी भाई, ना ही अमेरिका से आने वाला है सहायता, और ना ही इंग्लैंड से आने वाला है, ना ही किसी दोस्त से आने वाला है, और ना ही आपके पड़ोसी से आने वाला है, ना ही पड़ोसन से आने वाला है, और ना ही आपके भाई और ना ही आपकी बहन आकर के आपको सहायता करेंगे, मदद करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई सहायता करे तो वचन कहता है कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से है, यहोवा की ओर से, उस परमेश्वर की ओर से, वही आपको सहायता कठिन समय में कर सकता है, वही आपको मदद करता है। हर बातों में असंभव चीजों को मत देखो, लेकिन हर बातों में यह देखो कि क्या परमेश्वर के द्वारा संभव है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इज देयर एनीथिंग इज हार्ड फॉर मी, क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है, क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है, क्या सच में परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है? हाँ, कुछ कठिन है उसके लिए नहीं है, उसके लिए हर बातें संभव है, वो सब कुछ कर सकता है, इसीलिए तो वो परमेश्वर है।
और अपने जीवन में आपने सिर्फ एक दो नहीं लेकिन ऐसे बहुत सारे अपने अद्भुत काम तो आपने देखा ही होगा, अनुभव तो किया है, तो फिर भी आज फिर भी उतना डर किस बात का? आज भी आप वही जगह पे पड़े हो, विश्वास के उसी लेवल पे पड़े हो, आज भी आप नहीं देख पाते कि परमेश्वर क्या कर सकता है, आज भी आप सिर्फ अपने समस्या को देखते हो कि कितना बड़ा है, बाप रे पीछे इतना बड़ा फिरौन का सेना और सामने इतना बड़ा समुंदर, कैसे उस पार जाएंगे, अब तो मरेंगे हम लोग। लेकिन आप परमेश्वर के कार्य के ऊपर में, उसके सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करें कि वो चाहे तो वो समुद्र को भी दो भाग कर सकता है, वहां से रास्ता निकाल सकता है आपके लिए। उस परमेश्वर का आराधना हम और आप करते हैं। उन्होंने क्या कहा, हमारे पास क्या है, 7 रोटी है और थोड़ी सी मछली है। फिर से यीशु ने कहा, तब यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। यीशु ने लोगों को क्या किया, भूमि पर बैठने का आज्ञा दिया। काफी है परमेश्वर के लिए 4000 लोगों को खाना खिलाने के लिए, 4000 लोगों को खाना खिलाने के लिए 7 रोटी और थोड़ी सी मछली ही काफी है। तो यीशु ने क्यों पूछा कि क्या है तुम्हारे पास, क्योंकि यीशु मसीह देखना चाहते कि तुम्हारे पास क्या है, कितना विश्वास है तुम्हारे पास, कितना क्या है तुम्हारे पास, दिखाओ। यीशु मसीह देखना चाहते क्या है तुम्हारे पास, जो भी है उसको तुम परमेश्वर के सामने में लाओ। जो भी है तुम्हारे पास, चाहे वो थोड़ा हो, चाहे वो अच्छा ना हो, इतना अच्छा नहीं भी दिखता होगा, लेकिन जितना भी है तुम्हारे पास, थोड़ा है ना, आप उसको लाओ और उसके बाद देखना क्या होगा, परमेश्वर किस तरीके से उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। पौलुस बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन पतरस तो ऐसा नहीं था, एक मछुआरा था। लेकिन जब पतरस क्या करता है, प्रचार करता है, तो उसके प्रचार के द्वारा क्या होता है, 3000 लोगों ने मन फिरा लिया, 3000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। आज के डेट में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा प्रचारक है जो आज यहाँ पे खड़ा होकर प्रचार करे और एक ही दिन में 3000 लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लेगा, कोई है कैसा, कोई है ऐसा, हुआ है देखा आपने कभी, नहीं हुआ। लेकिन पतरस के द्वारा ऐसा हुआ। उसने क्या किया, जब भी उसको यीशु ने बोला कि पतरस मेरे पीछे आओ, उसने क्या किया, उसके पास जो नाव था, जाल था, जो मछली, सब कुछ उसने छोड़ दिया, यीशु मसीह के पीछे वो चलने लगा। उसके पास जो था, क्या था, उसका जिंदगी था और क्या था, कुछ भी तो नहीं था। उसके पास समय था, अपना जीवन था, उसने दे दिया और प्रभु ने उसको ऐसे इस्तेमाल किया, उसको इतना उसको निखारा, उसको परमेश्वर ने इतना अच्छे से उसको बनाया। उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पतरस तेरे ऊपर में मैं क्या करूंगा, अपने मंडली का नींव डालूंगा, तुम्हारे ऊपर हमें की करूंगा, हमारे मंडली गाधबो। जी हाँ, आपके पास जो भी है, जितना भी है, परमेश्वर के पास लाओ, हिचकिचाओ नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जो असंभव बातें तुम्हें लगता है, उन असंभव बातों को परमेश्वर क्या करेगा, संभव करेगा। लास्ट पॉइंट, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। क्या लिखा, यीशु ने उन्हें बैठने के लिए कहा, यीशु ने क्या किया, वो 7 रोटी
और जो मछलियां थे वहां पे यीशु ने लिया और एक लंबा चौड़ा प्रार्थना किया, लिखा है नहीं किया, लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं किया, क्या किया, क्या किया, लिखा है धन्यवाद किया। आपने शायद सुना होगा, मैंने आप लोगों को सिखाया था प्रचार में, द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का सामर्थ। हम जानते हैं कि प्रार्थना में बहुत सामर्थ है, बहुत सामर्थ है प्रार्थना में, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धन्यवाद में कितना सामर्थ है? क्या यहां पे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया? नहीं किया ना, सिर्फ उसने धन्यवाद दिया और 7 रोटी और कुछ मछली, जो कि क्या हो गया, वो अपने आप से मल्टीप्लाई होने लगा, बढ़ने लगा। कहता है कि वो चेलों को देने लगा, चेले लोगों को देने लगा। कैसे संभव हुआ ये? सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद के द्वारा। जानते हैं हम और आप सिर्फ प्रार्थना के महत्व को समझते हैं, सिर्फ समझते हैं कि प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, लेकिन हम धन्यवाद में भी जो सामर्थ्य है, हम उस सामर्थ्य को हम अनुभव नहीं कर पाए हैं। हम जानते ही नहीं, क्योंकि हमें यह सिखाया नहीं गया है। अपने साथ बहुत लोगों को प्रचार करते हुए सुना होगा कि प्रार्थना के द्वारा ये हो सकता है, प्रार्थना के द्वारा ये हो सकता है। एलिया ने प्रार्थना किया और क्या हो गया, आकाश बंद हो गया। आप शायद सुना होगा, बहुत ऐसे प्रचारक हैं जो प्रचार करते हैं कि हमने ये प्रार्थना किया और ये रोगी चंगा हो गया, ये मुर्दा जी उठा, ऐसा बीमारी ठीक हो गया, ऐसा समस्या ठीक हो गया। बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना में सामर्थ्य है और इसको मैं अस्वीकार नहीं करता हूं, मैं मानता हूं। लेकिन शायद आज मंडली को हम ये सिखाने में हम चूक गए हैं कि सिर्फ प्रार्थना में नहीं मेरे प्रियो, लेकिन धन्यवाद में भी बहुत सामर्थ्य है। अगर आप धन्यवाद दें सिर्फ प्रभु यीशु को, तो उस धन्यवाद के द्वारा ही क्या हो सकता है, बहुत बड़ा अद्भुत कार्य हो सकता है। यीशु ने सिर्फ उठाया और धन्यवाद दिया और सब अपने आप से बढ़ने लगा, मल्टीप्लाई होने लगा। अपने पड़ोसी को, अपने भाई बहनों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने प्रियजन को आप दिन में 1000 बार धन्यवाद कहते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हो। जो लोग डिजर्व भी नहीं करते, जो लोग योग्य भी नहीं है, ऐसे लोगों को दिन में 1000 बार धन्यवाद कहते हो आप। लेकिन जो परमेश्वर धन्यवाद पाने का योग्य परमेश्वर है, जो कि एकमात्र योग्य परमेश्वर है, योग्य परमेश्वर है, जिसको हमें धन्यवाद दिन में 1000 बार नहीं और उससे भी ज्यादा हमें बोलना चाहिए, हम उसे महीना में क्या करते हैं, 1-2 बार बोलते हैं। कोई कोई तो बोलता है नहीं, इतना बेईमान है, चर्च में बुलाना पड़ता है। किसी का धन्यवाद देने का विषय है क्या, तो वो आकर के धन्यवाद दे सकता है, गवाही दे सकता है। क्यों, ऐसा क्यों है भाई? इसीलिए धन्यवाद का जो सामर्थ्य है ना, उस सामर्थ्य को हमने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, होता नहीं हमसे, होता ही नहीं है। बहुत बार बहुत सारे परिस्थिति के लिए आपको प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे परिस्थितियों के लिए अगर आप सिर्फ धन्यवाद दे परमेश्वर को, तो उस धन्यवाद के द्वारा ही क्या होगा, आपके सारे समस्याएं दूर हो जाएंगे, बड़े बड़े परिस्थितियां घुटनों पर आ जाएंगे, सिर्फ आपके प्रार्थना के द्वारा नहीं, धन्यवाद के द्वारा। आप अद्भुत असंभव बातों को आप संभव होते हुए देखोगे। 4000 लोगों को आप खाना खाते हुए देख रहे हैं सिर्फ धन्यवाद के द्वारा। असंभव बातों को संभव होते हुए आप देखेंगे कब, जब आप धन्यवाद देंगे। तो आज से सिर्फ यही नहीं समझना है कि प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, लेकिन धन्यवाद में भी बहुत सामर्थ्य है। वचन कहता है कि तुम सब बातों में क्या करो, सब बातों में धन्यवाद के साथ तुम्हारे प्रार्थनाओं को क्या करना, परमेश्वर के सामने में रखना है। परमेश्वर हमसे धन्यवाद की अपेक्षा करते, आशा रखते,
धन्यवाद दो, आपके बहुत बड़े बड़े समस्याएं ठीक हो सकते हैं धन्यवाद के द्वारा, थैंक्स गिविंग के द्वारा। जब आप खुद समझेंगे इस बात को कि धन्यवाद में भी बहुत सामर्थ्य है, प्रभु को मुंह से मुंह खोल करके धन्यवाद देना। प्रभु हम सभी को उसके वचन के द्वारा आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू।